हेलो दोस्तों, क्या आपने किसी को पानी के नीचे उल्टा होकर हॉकी खेलते हुए देखा है? अगर आपको ये सोचकर ही चक्कर आ रहे हैं तो हमारा आज का वीडियो जरूर देखिए दोस्तों। आज आप कुछ बेहद अजीब चीजें देखने वाले हो। एक बंदा जो एस्केवेटर की मदद से क्लासेस रचता है और दूसरा सर्फिंग करते हुए फ्राइज खा सकता है। सब कुछ वैसा ही है जैसा हमें पसंद है भैया। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। ओह नो, ये आदमी तो नीचे गिर गया। और डरने की कोई बात नहीं, कोनी है ये, उसने जानबूझ के किया है। ये दुनिया का पहला प्रोफेशनल अंडरवाटर हॉकी प्लेयर है। अगर आप समझ नहीं पा रहे हो कि ये क्या होता है तो अभी समझाते हैं अपने। दरअसल भाई साहब, मैं तन्ने बताऊं कि ये झील के नीचे का हिस्सा पानी नहीं बल्कि ऊपर की ओर जमी हुई बर्फ है। और ये इंसान भाई साहब इसी अजीब तरीके से फिशिंग भी कर सकता है। ये फुटेज हमें इतना कंफ्यूज कर देती है ना कि हम इस बात पर ध्यान भी नहीं देते कि आखिर इसे फिल्माया कैसे गया था। खैर, ऐसे लोगों को क्या कहा जाता मालूम है? फ्री डाइवर। इसका मतलब है ये अपनी सारी ट्रिक्स बिना किसी इक्विपमेंट के एक सांस में पूरा करते हैं। हर वो इंसान जो एक विग पहनता है उसके लिए इससे बुरा और कुछ नहीं हो सकता। और तो और, अगर ये सबके सामने हो तब ये और भी एम्बैरसिंग हो सकता है। इस लड़की को दोनों कॉम्बो मिल गए। उसका विग ठीक एक शो के दौरान निकल गया। हालांकि दर्शकों ने कहा कि उसके डांस मूव्स विग गिरने से ज्यादा एम्बैरसिंग लग रहे थे। शायद वो सही थे यार। हम सबके पास एक ऐसा दोस्त है जिसे पूल में कूदना बहुत पसंद है, ठीक है, इस बैल की तरह जो नहाने के लिए काफी एक्साइटेड लग रहा है। देख रहे हो, हैरान होने के लिए तैयार हो जाइए। जी हाँ, ये मेंढक एक बिल्ली की तरह चीख सकता है। ये कुत्ता भी काफी शॉक लग रहा है, नहीं? क्या ये व्यक्ति पहाड़ से नीचे उतर रहा है? मजेदार बात है कि इस वीडियो में बिल्कुल उल्टा हो रहा है भैया। ये इंसान ना पहाड़ के ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। उसने अपनी सेफ्टी के लिए कुछ रस्सियां भी बांध रखी है। आधा रास्ता पार करके भी ये ड्राइवर इतना खुश है जैसे उसने भाई वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ दिया। ओए होए, वैसे सचमुच खुश होने जैसी बात ही है। ये इंसान एक आम वेस्पा स्कूटी चला रहा है जो ऐसे स्टंट्स करने के लिए नहीं बनी भैया। हालांकि इस इंसान के लिए कोई नई बात नहीं है। इसका नाम ग्वेंटर शोशरमायर है जो स्कूटर पर स्टंट्स करने के लिए मशहूर है भाई साहब। क्या आपको लगता है कि इस वीडियो में सिर्फ एक ही वर्कर है? जी नहीं, स्क्रीन के राइट साइड में थोड़ा ध्यान से देखिए भैया, क्या आपको टार्जन नजर आया? ये काफी मजेदार लग रहा है रे। लेकिन अगर ये पेड़ दाईं तरफ गिरता तो नतीजा और भी भयानक हो सकता था। अब आप समझ जाओगे कि टर्बो फिल्म के निर्माता किस चीज को देखकर इंस्पायर्ड हुए, या शायद इस कीड़े ने भी ये फिल्म देख ली होगी। एक मिलिट्री एयरक्राफ्ट के लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या है भाई साहब? बेशक स्पीड और एजिलिटी तो है ही, लेकिन साथ साथ इनका लचीलापन होना जरूरी है। आफ्टर ऑल, जब आप एक मुश्किल मिशन पर होते हो तब रुकने और रिफ्यूल करने का समय नहीं होता। इसलिए आजकल के सभी मॉडर्न फाइटर जेट्स हवा में रिफ्यूलिंग कर सकते हैं, ठीक है, अमेरिकन F-22 और F-35 राफ्टर फाइटर्स की तरह। अच्छा दोस्तों, एक बात बताओ, क्या आपने एयर टैक्सी के बारे में सुना है? नहीं सुना? सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा है ना, क्योंकि यहाँ कोई कार नहीं है बल्कि एक हेलीकॉप्टर आपको लेने आता है। दरअसल जिस इंसान ने वीडियो बनाया वो एक हाई वोल्टेज इक्विपमेंट स्पेशलिस्ट है। उसे हर दिन इसी तरह काम पर आना जाना पड़ता है। ये काम काफी खतरनाक है लेकिन इसके अपने फायदे भी है। यहाँ आप स्काई डाइविंग किए बिना ऐसे सीनिक व्यूज देख सकते हो, है कि नहीं? ये रूम की अपार्टमेंट में रहने वाले लोग कुछ ऐसा महसूस करते होंगे। हमें उम्मीद है कि इस वीडियो को बनाने वाले ने इस मछली को झील तक पहुंचा दिया होगा। या हो सकता है कि ये मछली इंट्रोवर्ट हो, अकेले रहना पसंद करती हो अपनी तरह। क्या आप इस आवाज को पहचानते हो दोस्तों? जल्दी से बताओ। ये किसी व्हेल की आवाज लगती नहीं, वो कहीं आस पास ही है। अमेजिंग, आप ऐसा नजारा हर रोज थोड़ी देखते दोस्तों। बाय द वे, शायद आपको पता नहीं होगा कि व्हेल्स पानी से बाहर कूदकर एक दूसरे से कम्युनिकेट करती हैं। इस तरीके में काफी बड़ी आवाज पैदा होती है और इनके रिश्तेदारों को इनकी लोकेशन पता चल जाती है और आ जाते हैं दावत खाने। थेरेपिस्ट कहते हैं कि एक आम वीडियो से किसी को कोई परेशानी नहीं होती। वीडियो कहता होती है। आप सोच रहे होंगे कि ये लड़की इस दर्द को कैसे सहती होगी। हालांकि बालों से लटकने की ट्रिक चाइना के सर्कस में काफी कॉमन है। चाइना में तो कुछ भी कॉमन है यार। इस स्प्रिंकलर के मैन्युफैक्चरर ने इसका नाम डांसिंग फ्लावर रखा है भैया।
लेकिन सच कहे तो ये एक आयरन मेडन कॉन्सर्ट का फैन लग रहा है, क्योंकि वहां कोई भी डांस नहीं करता। इस लड़के के स्किल वाकई लाजवाब है, केवल एक असली प्रो इस तरह की छोटी जगह पर स्की कर सकता है। जो कहते हैं कि मछलियां काफी बोरिंग होती हैं, उन्हें ये वाला वीडियो दिखा दियो। सच तो ये है कि मछलियां भी अपने मालिकों के साथ खेल सकती है, खेलना चाहती हैं। किसी कंस्ट्रक्शन साइट पे काम करना अपने आप में एक आर्ट है, आपको बस अपने काम में माहिर होना पड़ता है। इस लड़के को देखिए जो एक्सकेवेटर बकेट से ग्लासेस अरेंज कर सकता है। बट दिस इज नॉट ऑल, ये छोटे नट्स को भी एक दूसरे के ऊपर रख सकता है। अगर आप मानते हैं कि आप ऐसा दोनों हाथों से भी नहीं कर पाएंगे तो इस वीडियो को लाइक कर देना। एक शॉकिंग फैक्ट पता चला है कि सर्फिंग करने वाला ये इंसान सिर्फ हवाई शॉर्ट्स में नहीं बल्कि एक फॉर्मल सूट में भी सर्फ कर सकता है भैया। जैसे ये किसी ऑस्कर सेरेमनी में आ रहा हो, ये इतना प्रो है भाई साहब कि पानी में होने के बावजूद उसकी जैकेट बिल्कुल भी गीली नहीं होती। ये अपने हाथों में मैकडॉनल्ड का पूरा ऑर्डर पकड़कर भी सर्व कर सकता है। देखा जाए तो ऐसे सर्व बोर्ड की भी जरूरत नहीं है, ये बंदा तो एक आयनिंग बोर्ड पर भी सर्व कर सकता है। देख रहे हो कितना लेजेंड है। क्या आपको इस लड़के से जलन हो रही है या इस पे दया आ रही है? एक तरफ इसे एक शानदार व्यू के साथ काम करने का मौका मिल रहा है, वहीं दूसरी ओर इस वीडियो को देखकर ही हमें चक्कर आ रहे हैं। पता नहीं भैया कंस्ट्रक्शन वर्कर्स इतनी ऊंचाई पर कैसे काम कर पाते हैं, भैया अपनी तो फटके पनारा हो जाती है। क्या ये असली बिजली है या कोई हमें बेवकूफ बना रहा है? जी हाँ, बिल्कुल सही थे। रेडिट के यूजर्स बताते हैं कि इसे इंसानों द्वारा बनाया गया है। प्राकृतिक घटनाओं के बारे में जानने के लिए साइंटिस्ट कुछ स्पेशल रॉकेट्स की मदद से ऐसे लाइटनिंग स्ट्राइक तैयार करते हैं। अगर ये एक असली बिजली होती तो यहाँ की जमीन पूरी तरह एवेपोरेट हो जाती। क्या ये काली आंखों वाला जानवर किसी तरह का एलियन है? जी नहीं, ये एक आम पग है जो अपनी लाइफ एंजॉय कर रहा है। जी हाँ, इन उड़ती हुई गलेरियों को प्रोफेशनल मिलिट्री मैन जैसे ट्रेन किया जा सकता है। और तो और, ये जानवर उनसे भी बेहतर काम करते हैं। ये लोग चेन से ऊपर चढ़ना ही नहीं जानते बल्कि अपने मालिक के हाथों पर कूद भी सकते हैं। अच्छा है कि गलेरियां अपने साथ कुछ सामान नहीं उठा पाती, नहीं तो लोगों ने इन्हें किचन के टॉप शेल्फ पर रखा हुआ स्नैक्स लाने के लिए कहा होता, जाओ ले आओ। ये केकड़ा अपने पैरों को बेहद तेजी से हिलाकर पानी से ऊपर आ सकता है। आप ऐसा नजारा बार बार नहीं देखना चाहोगे। इनकी कुछ प्रजातियों के पिछले पैर ब्लेड्स की तरह मुड़ सकते हैं। इनकी मदद से ये जीव गहरे पानी में भी आराम से तैर सकते हैं। क्या ये आदमी अपनी गाड़ी ऊपर चढ़ा पाएगा? बिल्कुल, क्यों नहीं, लेकिन क्या वो समय पर रुक पाएगा? वेल, शायद इसकी मोटरसाइकिल एक सबमरीन की तरह काम करती है। पता नहीं ये बीवर कहाँ जा रहा है। वेल, दिस इज इंटरेस्टिंग, लगता है उसके पीछे मारास की पूरी फौज है। शायद ये किसी लोमड़ी को सबक सिखाने जा रहा है। जी हाँ, ये लोग बहते हुए पानी में सोए हैं। ये वीडियो मजेदार होने के साथ साथ डरावना भी लग रहा है। एक मजेदार फैक्ट आपको बता दे दोस्तों, अगर आपके पास एक ऊंट है जो कि आपके पास नहीं है तो आपको जिम जाने की जरूरत नहीं है भाई साहब। सीरियसली देखिए जानवर किस तरह एक इंसान का पीछा कर रहा है। मजेदार बात यह है कि इस आदमी के कार में छिपने के बाद भी ये जानवर उसे ढूंढ रहा है, वैसे पता नहीं क्यों। पर जब ये ऊंट कैमरामैन की तरफ मुड़ा तो अचानक इनकी हंसी बंद हो गई। कोइंसिडेंस है? अपनी गाड़ी को लोड राइडर बनाने के दो तरीके होते हैं भाई साहब। पहला तो ये कि हर कोई आपके पास जरूर देखेगा, और या हो सकता है कि आप किसी वायरल वीडियो में हीरो बन जाए। और दूसरी बात, आपको टर्न सिग्नल देने की जरूरत नहीं होगी, हर कोई अपने हिसाब से ही समझ जाएगा भाई साहब आपका रौब देख के।
भाई आलसी बनना छोड़ दो, क्योंकि अब आपके दिमाग को सुपर चार्ज करने का टाइम आ चुका है। ब्रेन टाइम हिंदी चैनल में आपका स्वागत है। अतीत, वर्तमान और भविष्य की अभिभूत करने वाली घटनाएं, प्रकृति और जानवरों की दुनिया की जीवितता, चौंकाने वाले तथ्य और अनसुलझे रहस्य, आपको यहाँ इन सब के साथ और भी बहुत कुछ मिलेगा। सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपको इसका पछतावा नहीं होगा।